हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बी एंट्रेंस एग्जाम के कॉमर्स के प्रैक्टिस सेट की ये स्टार्ट कर दें वीडियो को आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए फ्रेंड्स या शेयर कीजिए किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ जरूर बताएगा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन वाई वॉट नेम डू यू नो दी इन्फॉर्मेशन गिविन बिलो दी बोर्ड यानी कि यहाँ फ्रेंड्स यहाँ पे बोर्ड नहीं आएगा ट्रायल बैलेंस आएगा ठीक है यानी कि ट्रायल बैलेंस में जब uh, ट्रायल बैलेंस पूरा बना होता है उसके नीचे इन्फॉर्मेशन में अगर हमारा जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशंस है वो दी होती हैं तो वो हम किस नाम से जानते हैं जर्नल एडजस्टमेंट लेज़र या फिर नन ऑफ दीज तो फ्रेंड्स ये हमारी कहलाते हैं एडजस्टमेंट ठीक है adjustment. जो ट्रायल बैलेंस के नीचे जो रिमेनिंग इन्फॉर्मेशनस होती हैं वो लिखी होती हैं उनको हम एडजस्टमेंट बोलते हैं जो कि बाद में हम उनकी एंट्री करते हैं ठीक है ठीके? तो ऑप्शन टू यहाँ पे हमारा राइट right आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है वट इज नेम्ड इन अकाउंटिंग द रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ परमानेंट प्रॉपर्टी बाई इट्स कॉन्स्टेंट यूज यानी कि कोई भी जो हमारी स्थायी संपत्ति परमानेंट या फिक्स असेट जो है उसको हम कंटिन्यू यूज कर रहे हैं और उसकी कंटिन्यूशन यूज करने से उसके जो मूल्य है उसमें कमी आ गई है तो उसको हम क्या बोलते हैं इंटरेस्ट ड्रॉइंग डेप्रिशिएशन या फिर नन ऑफ दिस वेरी सिंपल उसको बोलते हैं डेप्रिशिएशन ठीक है नेक्स्ट आते हैं वॉट वाई वॉट नेम डू यू नो द अमाउंट विदड्रॉल फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज़ बाई दी ओनर ऑफ द बिजनेस यानी कि जब कोई बिजनेस मैन अपने बिजनेस से अपने पर्सनल यूज़ के लिए कोई भी अमाउंट निकालता है तो उसको क्या बोलते हैं ड्राॅइंग इंटरेट एप्रीशिएशन या फिर नन ऑफ दिस राइट आंसर ऑप्शन ए ड्राॅइंग्स उसको ड्राॅइंग कहा जाता है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हैं लेकिन ये चैप्टर वाइज हैं तो इससे आपका रिविजन हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट है इफ़ द क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन इनसाइड द ट्रायल बैलेंस इन विच अकाउंट इट इज अकाउंटेड फॉर या यानी कि अगर ट्रायल बैलेंस में अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर हमारा क्लोजिंग स्टॉक दिया होता है तो वो कहाँ पे उसको मेंशन किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट कैश अकाउंट या फिर फाइनल अकाउंट तो जब हम अंदर की बात कर रहे हैं तो ये हमारा डायरेक्ट मेंशन किया जाएगा फाइनल अकाउंट यानी कि आर्थिक चिट्ठा जिसको हम बैलेंस शीट भी फ्रेंड्स लिख लिए फाइनल अकाउंट तो सभी हो जाएंगे लेकिन ये स्पेशली बैलेंस शीट में मेंशन किया जाएगा ये ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएगा क्योंकि ये बाहर दिया ट्रेडिंग अकाउंट uh, के ट्रायल uh, बैलेंस के अंदर दिया हुआ है ठीक है नेक्स्ट है इफ दी अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज गिवन इनसाइड द ट्रायल बैलेंस देन इन विच अकाउंट इट इज अकाउंटेड अगर ट्रायल uh, बैलेंस के अंदर डेप्रिसिएशन का अमाउंट दिया हुआ है तो उसको कहां अकाउंट करते हैं या लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फाइनल अकाउंट जिसको बैलेंस शीट भी बोलेंगे या फिर कैश अकाउंट तो देखिए यहाँ पर राइट right आंसर हो जाएगा टू अगर वो अग, अंदर दिया होता है तो उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं तो ऑप्शन टू यहाँ पे हमारा राइट right आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है इज़ अ प्रोविज़न यानी कि क्या प्रोविज़न है जर्नल रिजर्व स्पेशल रिजर्व कैपिटल रिजर्व या फिर नन ऑफ दी इन सब के बारे में जो जा आप जानते होंगे जर्नल रिजर्व वो होता है जो कि किसी भी इसका कोई मेन पर्पस नहीं होता बस इसको क्रिएट कर दिया जाता है जिस भी तरह की जरूरत होती है तो यहाँ से इसको एक्सपेंड uh, कर लेते हैं अमाउंट को स्पेशल रिजर्व किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए क्रिएट किया जाता है कि हमें ये चीज जैसे कि प्लांट में यूज़ करना है या फिर रिपेयरिंग में यूज करना है किसी पर्टिकुलर पर्पज से या फिर डिविडेंट देने के लिए यूज़ करना है ठीक है कैपिटल रिजर्व कैपिटल से क्रिएट किया जाता है ठीक है तो ये सारे रिजर्व्स हैं तो इसमें प्रोविजन जो है वो हमारा क्या है तो प्रोविजन हमारा स्पेशल रिजर्व कहलाता है तो ऑप्शन टू यहाँ पे हमारा राइट right आंसर होगा नेक्स्ट है इफ अ ट्रांजेक्शन इज ओमिटेड फ्रॉम अकाउंटिंग इन दी जर्नल व्हाट इज दिस इन एक्यूरेसी यानी कि अगर कोई भी अकाउंटिंग uh, करने से हमारी रह गया यानी कि जर्नल में हम कोई भी एंट्री है जिसको हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए हैं तो वो किस तरह की हमारी गलती कहलाती है तो देखिए ऑप्शन में यहाँ है एरर्स ऑफ कम्प्लीट ओमेशन एरर्स इन पोस्टिंग एरर्स ऑफ प्रिंसिपल या फिर नन ऑफ दी अबव तो देखिए यहाँ पर इसका राइट right आंसर हो जाएगा एरर्स ऑफ कंप्लीट ओमेशन क्योंकि वो पूरी तरह से अभी एंट्री रिकॉर्ड ही नहीं हुई है किसी भी तरह से तो ये पूरी तरह से छूटी हुई uh, uh, गलती है हमारी या फिर हम बोल सकते हैं अशुद्धि है तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट right आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ द सस्पेंस अकाउंट इज रिटेन ऑन द साइड ऑफ द बोर्ड इन विच अकाउंट इट इज़ ऑथर्ड यानी कि अगर सस्पेंस अकाउंट में आ, जो सस्पेंस अकाउंट है वो तलपट के ऋण पक्ष की ओर लिखा हुआ है यानी कि हमारे डेटि डेबिट साइड में लिखा हुआ है तो उसका लेखा हम किस खाते में करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट असेस साइड इन बैलेंस शीट या फिर लाइबिलिटी साइड इन द बैलेंस शीट तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें इसकी तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी जो कि होगा हमारा आर्थिक चिट्ठे में संपत्ति पक्ष में यानी कि साइड में लिखेंगे हम बैलेंस शीट के ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एक्यूरेसी डेट अफेक्ट टू अकाउंट यानी कि ऐसी एक्यूरेसी जिसमें दो खातों में यानी कि दो अकाउंट में हम साइमल्टेनियसली उसको रिकॉर्ड करने से हमारी रह गई है तो क्या कहलाती है वन साइडेड टू साइडेड थ्री साइडेड एरर या फिर नन ऑफ दीज तो ये नाम से भी आप समझ रहे हैं कितने अकाउंट टू अकाउंट्स में करने से रह गई है तो ये हमारे टू साइडेड एरर कहलाती है तो ऑप्शन टू यहाँ पे हमारा राइट right आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है An that only one is called, कि एक से वो करने से रह गई है, तो है? तो यहाँ पर साफ मैं वन अकाउंट में करने से रह गई है तो इसको वन साइडेड एरर कहते हैं तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट right आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन करेक्टेड बाय सस्पेंस अकाउंट यानी कि सस्पेंस अकाउंट द्वारा कौन सी अशुद्धि हम ठीक करते हैं कंप्लीट एरर टू साइडेड एरर एरर या फिर नन ऑफ दीज तो देखिए आपको पता है सस्पेंस अकाउंट किस क्यों क्रिएट किया जाता है पर्पज़ क्या होता है देखिए सस्पेंस अकाउंट इसलिए क्रिएट किया जाता है कई बार जब हमारा जो ट्रायल बैलेंस है उसका अमाउंट नहीं मिल पाता है जब हम, हम सारी चेकिंग कर लेते हैं कि हमारा सभी तरह की एंट्रीज हो गई हैं फिर भी हमारा अमाउंट वो नहीं बैलेंस मिल पाता है डेबिट और क्रेडिट साइड का तो हम वहाँ पर सस्पेंस अकाउंट डाल के जो भी बैलेंस रिमेनिंग होता है वो वहाँ पर शो कर देते हैं जिससे कि बाद में अगर हमें कोई एंट्री ऐसी दिखे या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट हमारे हाथ लगे जिसमें हम पता चले कि हमें ये एंट्री नहीं की है तो हम डायरेक्ट उसको उसमें मेंशन कर पाए तो यानी कि ये किस तरह की गलती हो गई वन साइड की एरर है तो इसलिए यहाँ पर वन साइड एरर को ठीक किया जाता है तो ऑप्शन थ्री यहाँ पे हमारा राइट right आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं व्हाट इज द नेम ऑफ द मेथड ऑफ फर्स्ट कम फर्स्ट आउट यानी कि फर्स्ट कम फर्स्ट आउट जो हमारा मैथड है वो हमारा किस नाम से जाना जाता है लिफो मेथड फिफो मेथड मीफो मेथड या फिर हिफो मेथड तो देखिए यहाँ पर साफ दिया हुआ है लिफो लिफो की फुल फॉर्म आपको पता होगी लास्ट एंड फर्स्ट आउट फीफो फर्स्ट एंड फर्स्ट आउट मीफो हीफो इस तरह से इनकी सारी फुल फॉर्म्स हैं तो देखिए यहाँ पे साफ दे रखा है फर्स्ट एंड फर्स्ट आउट यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्या हो गया ऑप्शन टू जिसको बोलते हैं फीफो मैथड ठीक है बहुत सिंपल है ये आप कर लेंगे नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ द मेथड ऑफ लास्ट कम लास्ट फर्स्ट आउट लास्ट कम फर्स्ट आउट का मतलब देखिए नाम से डायरेक्ट पता तो चल रहा है हमारा हो गया लिफो मेथड ठीक है नेक्स्ट है एट हुज रिस्क इज द एजेंट सेलिंग गुड्स इन कंसाइनमेंट अकाउंट यानी कि कंसाइनमेंट अकाउंट में जो हमारा माल बेचा जाता है वो जोखिम जो है वो किस के ऊपर दिया जाता है बायर्स के ऊपर ओनर्स के ऊपर एजेंट के ऊपर या फिर ऑल अबव तो ये ओनर्स के ऊपर सारा जोखिम होता है यानी कि जो भी रिस्क uh, होगा वो ओनर उसको बियर करेगा तो ऑप्शन टू यहाँ पे हमारा राइट right आंसर है ये कंसाइनमेंट अकाउंट से, से क्वेश्चन है आपने कंसाइनमेंट अकाउंट किए होंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट है व्हाट डज द एजेंट गेट फ्रॉम द ओनर्स इन रिटर्न फॉर सेलिंग द गुड्स यानी कि एजेंट को मालिक की ओर से जो माल बेचने के प्रतिफल में क्या प्राप्त होता है प्रॉफिट लॉस कमीशन या फिर तो तो एजेंट को वहां पे मिलता है नेक्स्ट क्वेश्चन right है वाई वॉट नेम डू यू नो टू सेंड गुड्स टू एजेंट फॉर सेल यानी कि एजेंट के पास बिक्री के लिए माल भेजना किस नाम से जानते हैं लैंडर या फिर ऑल ऑफ तो जब माल बेचता है तो वो पर्सन कहलाता है हम उसको प्रधान भी बोलते हैं प्रेषक भी बोलते हैं और प्रेषक करता भी ये तीनों नाम ही हमारे के होते हैं तो ऑप्शन नेक्स्ट right है द डिटेल्स ऑफ सेल्स एंड एक्सपेंसिस ऑफ गुड्स आर सेंट बाई दू देशम डू यू नो दैट डिटेल्स यानी की एजेंट द्वारा माल की बिक्री और व्यक्त मालिक के पास वो भेजता है तो उस डॉक्यूमेंट डौ, को क्या बोलते हैं रॉ इन सेल स्टेटमेंट या फिर नन ऑफ दीज तो फ्रेंड्स इसको हम सेल uh, डिटेल्स uh, भी बोल सकते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन थ्री राइट आंसर हो जाएगा इन वॉयस नहीं भेजता है वो भेजता है सेल स्टेटमेंट मतलब एक सिर्फ डिटेल्स मैंशन होती हैं उसमें कि मैंने इतना माल इतने रुपये में आप मतलब जो भी कंडीशन है या तो मालिक ने दी होगी तो वो उसके बेसिस पर बस बता देता है कि इस तरह से ये इस माल को बेचा गया है ठीक है नेक्स्ट है हाउ मेनी पार्टीज़ आर मेनली इन कंसाइनमेंट अकाउंट अब कंसाइनमेंट अकाउंट जो होता है उसमें कितनी पार्टीज होती हैं दो तीन पाँच या चार तो कंसाइनमेंट अकाउंट की बात करें तो देखिए यहाँ पर दो पार्टी मेन होती हैं ऑप्शन टू राइट आंसर है कंसाइनर और कंसाइनी ठीक है दो पार्टी होती हैं नेक्स्ट है वेन टू और मोर पीपल मेक अ टेम्प्रेरी पार्टनरशिप टू डू अ पर्टिकुलर टास्क इट इज कॉल्ड यानी कि जब दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर एक टेम्प्रेरी पार्टनरशिप बनाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं पार्टनरशिप एजेंसी ज्वाइंट वेंचर या फिर ऑल अब तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप याद रखिए टेम्प्रेरी की बात की जा रही है अगर सिर्फ पार्टनरशिप होती तब तो हमारा आंसर यहाँ पे पार्टनरशिप आ जाता वो जब यहाँ पे लिखा होता है वेन टू और मोर पीपल मेक अ बिजनेस टू डू अ पर्टिकुलर टास्क तब वहाँ पे पार्टनरशिप आ सकता था लेकिन यहाँ पे टेम्प्रेरी की बात की गई है तो टेम्प्रेरी जब भी आए तो आप वहाँ पे आंसर करिएगा ज्वाइंट वेंचर क्योंकि ज्वाइंट वेंचर पार्टनरशिप की तरह होता है बट इसमें क्या होता है टेम्प्रेरी होता है जबकि पार्टनरशिप में कोई टेम्प्रेरी और परमानेंट नहीं होता है क्योंकि पार्टनरशिप क्रिएट की जाती है तो वहां पे नहीं हमें पता कि हम ये बिजनेस कब तक चलाएंगे ठीक है कब तक ये हमारा कंटिन्यू रहेगा लेकिन टेम्प्रेरी हम उसको नहीं बोलेंगे लेकिन यहाँ पे टेम्प्रेरी मेंशन है यानी कि ये ज्वाइंट वेंचर है ठीक है नेक्स्ट है वॉट इज द मिनिमम नंबर ऑफ इन अ ज्वाइंट वेंचर अब ज्वाइंट वेंचर में मिनिमम नंबर कितने होते हैं ये बताने हैं दो पाँच सात या आठ तो मिनिमम टेम ज्वाइंट वेंचर की बात की जाए तो मिनिमम दो होते हैं और मैक्सिमम uh, पाँच सात जितने भी हो, हो लेकिन मिनिमम यहाँ पर दो होंगे मेम्बर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है

ऑप्शन हैं दस बीस अनिश्चित यानी कि अनलिमिटेड या फिर तो राइट आंसर है सी अनिश्चित यानी कि अनलिमिटेड ज्वाइंट वेंचर में कोई लिमिट नहीं है लेकिन मिनिमम के लिए लिमिट है तो नेक्स्ट है ज्वाइंट वेंचर अकाउंट है. अब ज्वाइंट वेंचर जो है वो हमारा किस तरह का अकाउंट है ये बताना है नॉमिनल अकाउंट पर्सनल अकाउंट रियल अकाउंट या फिर बिल और बिलों की, की तिथि निकालने के लिए अनुग्रह दिवस कितने जोड़े जाते हैं तीन दो पांच है आठ तो ये सबको पता होगा बहुत ही सिंपल है आंसर जब हम ग्रेस पीरियड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो हमारा आ, टाइमिंग होगी वो होगी थ्री डेज ठीक है ऑथर्स ऑफ बैंकिंग कंपनी शुड बी अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट यानी कि यहाँ पर ये पूछा गया है कि जो बैंकिंग कंपनी के जो लेखक होते हैं आ, या फिर बैंकिंग कंपनी हमारा किस न, एक्ट के अकॉर्डिंग उसको मेंशन किया जाता है या उसको रिकॉर्ड किए जाते हैं सारे ट्रांजैक्शंस इंडियन कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग बैंकिंग कंपनी एक्ट इंडियन पार्टनरशिप या फिर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट तो बहुत ही सिम्पल इसका आंसर है इसका जो राइट right आंसर है ऑप्शन बी बैंकिंग कंपनी एक्ट के अंदर जो भी बैंकिंग से रिलेटेड हमारे सारे ट्रांजेक्शन होते हैं वो इसके अंदर रिकॉर्ड किए जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉट शुड बी द रियल अकाउंटिंग पीरियड यानी कि जो लेखांकन है या अकाउंटिंग पीरियड है उसकी रियल या आइडियल हम उसका पीरियड क्या है छह माह एक वर्ष दो वर्ष या फिर इनमें से कोई नहीं तो रियल अकाउंटिंग पीरियड होता है एक वर्ष यानी कि एक वर्ष तक के ट्रांजेक्शन किए जाते हैं अब वो आप अकाउंटिंग पीरियड को भी मान सकते हैं जैसे कि आपको पता है कि जो हमारा होता है फर्स्ट अप्रैल से थर्टी फर्स्ट मार्च होता है या फिर कई लोग फेस्टिवल टू फेस्टिवल लेते हैं ये उन पर डिपेंड करता है लेकिन ये एक साल का होता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं व्हाट टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन आर अकाउंटेड फॉर इन अकाउंटिंग यानी किस तरह के ट्रांजेक्शन अकाउंटिंग में रिकॉर्ड किए जाते हैं विच इज़ क्वान क्वालिटेटिव विच इज़ सब्जेक्टिव विच इज़ बिज बिजी विद मनी या फिर जो मनी में uh, के फॉर्म में उनको डिनोट किया जाता है या फिर नन ऑफ दिस तो ये भी बहुत सिंपल है जो कि मनी में डिनोट किए जाते हैं या मनी टर्म्स में होते हैं हम उन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं इसलिए ऑप्शन थ्री यहाँ पर हमारा राइट right आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है अब यहाँ पर हमें एक इक्वेशन दे रखी है जैसे कि आउटसाइड लाइबिलिटी इक्वल टू प्रॉपर्टी माइनस यानी कि प्रॉपर्टी में किस चीज को माइनस करेंगे ये हमारे आउटसाइड लाइबिलिटी कर आएगी ऑप्शन है कैपिटल कैश क्रेडिटर्स या फिर डेटर्स तो इसका जो राइट right आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए जो कि है हमारा कैपिटल कैपिटल को जो हम प्रॉपर्टी से माइनस करेंगे तो हमारा आउटसाइड लाइबिलिटी निकल कर आ जाएगी नेक्स्ट क्वेश्चन है एट वॉट वैल्यू इज़ एन आर्टिकल अकाउंटिंग इन अकाउंटिंग अकाउंटेड इन अकाउंटिंग होगा ये क्वेश्चन ठीक है यानी कि जो लेखांकन में किसी वस्तु को जो हम रिकॉर्ड करते हैं तो किस मूल्य पे की जाती है राइट आंसर देखिए यहाँ पर ऑप्शंस हैं रियल वैल्यू नॉमिनल वैल्यू फाइनेंशियल वैल्यू या फिर नन ऑफ दिस तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए रियल वैल्यू पर वो सारी चीज़ों को रिकॉर्ड किया जाता है जो भी उनकी रियल वैल्यू होगी उस पर हम रिकॉर्ड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अकाउंटिंग एजम्पन्स यानी कि जो अकाउंटिंग एजम्पन्स है वो हमारी कौन कौन सी होती है एक्सचेंज पीरियड यूनिट ऑफ मेजरमेंट या फिर ऑल ऑफ़ दिस तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम अकाउंटिंग एजम्पन्स की बात करें तो आपने सारी एजशंस पड़ी होंगी कि एक्सचेंज um, भी होता है ट्रांजेक्शन्स के बीच में और इनकी एक टाइम पीरियड होता है जिसके बेसिस पे सारे ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड किए जाते हैं और वो सारे यूनिट uh, में मेजर किए होने चाहिए तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा ऑल ऑफ दिस राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं डैश इज इंक्लूडेड इन रेवेन्यू आई में कौन सी चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है इनकम रिसीवेबल इनकम रिसीव्ड इनकम रिसिवेबल और इनकम रिसिव्ड या फिर नन ऑफ दिस तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ बात करें रेवेन्यू में तो रेवेन्यू में जो हमारी इनकम रिसिवेबल है यानी कि जो इनकम हमें रिसीव होगी और जो रिसीव हो चुकी है वो सारी चीज़ें हमारी रेवेन्यू यानी इनकम में इंक्लूड की जाती हैं इसलिए ऑप्शन थ्री यहाँ पर हमारा राइट right आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन वट फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग डज बिजनेस अडोप्ट यानी कि एक बिजनेस मैन जो है वो किस तरह की अकाउंटिंग को अडोप्ट करता है या फिर वो कौन सी सिस्टम को फॉलो करता है कॉस्ट अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग टैक्स अकाउंटिंग या फिर मैनेजीरियल अकाउंटिंग तो यहाँ पे बहुत इसका राइट आंसर देखिए आप इजली बता सकते हैं एक बिजनेस मैन जो है वो हमेशा फाइनेंशियल अकाउंटिंग को ऑप्ट करेगा कि उसके यहाँ कितना फाइनेंस आ रहा है कहाँ से रेस करना है कितना इन्वेस्ट करना है उसके लिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ होगी इसलिए वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग को अडॉप्ट करता है ऑप्शन टू यहाँ पे हमारा राइट right आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग इज अडॉप्टेड टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्टिव कम्युनिटी यानी कि जब हम किसी प्रोडक्टिव कम्युनिटी की कॉस्ट को फाइंड आउट करते हैं तो वहाँ पर कौन सी अकाउंटिंग को हम अडॉप्ट करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजीरियल अकाउंटिंग टैक्स अकाउंटिंग या फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो इसका भी हमारा सिंपल आंसर है जब हमें कॉस्ट फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए हम कॉस्ट अकाउंटिंग को अडॉप्ट करेंगे तो ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा राइट right आंसर हो जाएगा नेक्स्ट आते हैं हाउ इज़ कॉस्ट ऑफ़ गुड्स फोरकास्टेड इन अकाउंटिंग यानी कि जो अकाउंटिंग में जो हम गुड्स को फोरकास्ट करते हैं कि इसकी कितनी कॉस्ट आएगी वो हम किस तरह से करते हैं मैं रिजनल अकाउंटिंग के बेसिस पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग टैक्स अकाउंटिंग या फिर कॉस्ट अकाउंटिंग के बेसिस पर तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे अगेन कॉस्ट की बात की जा रही है कॉस्ट को फाइंड आउट करना है इसलिए कॉस्ट अकाउंटिंग की बात की जाएगी ऑप्शन फोर यहाँ पे हमारा राइट right आंसर हो जाएगा नेक्स्ट आते हैं वट फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग इज डन कीपिंग इन माइंड द वैल्यू कन्वर्टेड इन टू करेंसी अब यहाँ पर ये बात की जा रही है कि वो कौन सी अकाउंटिंग को हम अपने माइंड में रखेंगे जब हम अपनी जो हमारी वैल्यू है उसको हम करेंसी में कन्वर्ट करेंगे मैनेजीरियल अकाउंटिंग इन्फ्लेशन अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग या फिर कॉस्ट अकाउंटिंग तो मुद्रा में परिवर्तित मूल्य को ध्यान में रखकर जो हम अकाउंटिंग को फॉलो करेंगे तो वो होगा हमारा इन्फ्लेशन अकाउंटिंग हम ये देखेंगे कि जो हम अपनी अमाउंट को किसी भी करेंसी में कन्वर्ट करेंगे तो वहाँ पे कितना इन्फ्लेशन आ रहा है दोनों में ठीक है तो वहां पे हम इन्फ्लेशन अकाउंटिंग को फॉलो करेंगे ऑप्शन टू यहाँ पे हमारा राइट right आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है इन वट फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग अकाउंटिंग ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ अ कंट्री इज डन इन सिस्टमैटिक एंड प्रॉपर वेज यानी कि ऐसी कौन सी अकाउंटिंग की फॉर्म है जिसके अंदर हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं उसकी हम अकाउंटिंग करेंगे सिस्टमैटिक एंड प्रॉपर वे में सोशल अकाउंटिंग कॉस्ट इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग या फिर मैनेजीरियल अकाउंटिंग तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो जब हम किसी भी कंट्री की आ, जब इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात आ रही है तो इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारे यहाँ पे बताती है हमारी सोशल अकाउंटिंग को क्योंकि इकोनॉमिक्स की बात की जा रही है वहाँ पे पूरी सोसाइटी इसके अंदर इंक्लूड होगी इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे है सोशल अकाउंटिंग हमारा राइट right आंसर हो जाएगा नेक्स्ट आते हैं वॉट इज द बुक ऑफ इनिशियल आर्टिकल्स इन विच ऑल ट्रांजेक्शन आर रिटेन डेट वाइज यानी कि वह कौन सी फर्स्ट टाइम या फिर इनिशियल स्टेज पर वो कौन सी बुक है जिसको हम डेट uh, वाइज सारे चीजों को मेंशन करते हैं इनिशियल स्टेज पर ठीक है ये याद रखिएगा ऑप्शन है जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस या फिर फाइनल अकाउंट तो इनिशियल स्टेज पर जो हम डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं अपने ट्रांजेक्शन्स को वो कहलाता है हमारा जर्नल ठीक है सबसे पहले हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी कॉलम्स आर प्रिपेयर वैन प्रिपेयरिंग जर्नल हम जर्नल को प्रिपेयर करते समय कितने उसमें कॉलम्स प्रिपेयर करते हैं ये हमें बताना है सेवन फाइव थ्री एंड फोर तो यहाँ पर हम जर्नल बनाते समय फाइव कॉलम्स को प्रिपेयर करते हैं ठीक है देखिए यहाँ पर पहले फर्स्ट कॉलम किसका होता है ये हमारा हो गया फर्स्ट कॉलम डेट का उसके बाद ये हमारा पर्टिकुलर्स होता है जिसमें हम सारे एंट्रीज करते हैं उसके बाद ये हमारा एल होता है लेजर और फिर उसके बाद आता है हमारा डेबिट बैलेंस का फिर आता है हमारा क्रेडिट बैलेंस का तो वन टू थ्री फोर एंड फाइव फाइव कॉलम से प्रिपेयर होते हैं ठीक है नेक्स्ट आते हैं व्हाट आर टाइप्स ऑफ अकाउंट्स अब कितनी तरह के अकाउंट होते हैं हमें ये बताना है दो चार तीन या फिर पांच तो फ्रेंड्स अकाउंट हमारे तीन तरह के होते हैं अब वो कौन कौन से होते हैं एक होता है हमारा रियल अकाउंट एक होता है हमारा नॉमिनल अकाउंट और एक होता है हमारा पर्सनल अकाउंट ये तीन तरह के अकाउंट होते हैं ठीक है नेक्स्ट है द इज कॉल्ड द डेटर एंड द पे इज रिच रिच इज द रूल ऑफ विच अकाउंट इज अक्रूव अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए रिच का मतलब यहाँ पे फ्रेंड्स आप वो कर लीजिएगा क्रेडिटर ठीक है ठीक है अब कोई भी जो हमारा रिसीवर है वो हमारा डेटर बन रहा है और जो हमारा पे है वो हमारा क्रेडिटर बनना है तो एक किस चीज़ का रूल है रियल अकाउंट का पर्सनल अकाउंट का ट्रेडिंग अकाउंट का या फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फ्रेंड्स ये रूल्स इनको गोल्डन रूल्स बोलते हैं इनको जरूर पढ़ लीजिएगा कि रियल अकाउंट यानी कि वास्तविक खाता वास्तविक खाता यानी नॉमिनल अकाउंट और व्यक्तिगत खाता यानी कि पर्सनल अकाउंट के क्या क्या रूल हैं किस बेसिस पे एंट्रीज होती हैं ठीक है रूल्स बहुत पूछे जाते हैं तो यहाँ पर अगर इसकी बात करें तो ऑप्शन

इसमें से क्या संबंधित है तो व्यक्तिगत खाते में अभी हमने ऊपर भी बात की थी डेटर्स एंड क्रेडिटर्स रिलेटेड होते हैं इसलिए ऑप्शन थ्री यहाँ पे हमारा राइट right आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कैश अकाउंट इज अब कैश अकाउंट क्या है रियल अकाउंट पर्सनल अकाउंट नॉमिनल अकाउंट या फिर नन ऑफ दीज तो देखिए यहाँ पर इसका राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन जो कि हमारा रियल अकाउंट कैश अकाउंट हमारा रियल अकाउंट बताता है ऑप्शन ए राइट आंसर है इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है ठीक है नेक्स्ट है मशीन परचेज शुड बी डेबिटेड। अब जो मशीन अगर की है तो वो डेबिट किस अकाउंट में होगी मशीनरी अकाउंट गुड्स अकाउंट प्लांट अकाउंट या फिर नन ऑफ दीज तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर मशीनरी परचेज की बात की जा रही है तो डेबिट की जाएगी मशीनरी अकाउंट में ठीक है तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट right आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपिटल अकाउंटेज अब कैपिटल अकाउंट किस तरह का अकाउंट है रियल अकाउंट जर्नल अकाउंट पर्सनल अकाउंट या फिर नन ऑफ दिस तो यहाँ पर देखिए कैपिटल अकाउंट की बात करें तो ये हमारा क्या है ये भी हमारा रियल अकाउंट है ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट right आंसर है नेक्स्ट आते हैं द एक्सपेंडिचर ऑन सेटिंग अप अ प्लांट शुड बी डेबिटेड अब कोई भी प्लांट सेट किया जा रहा है और उस पर जो भी एक्सपेंडिचर uh, हुआ है वो डेबिट किस नाम से किया जाएगा इन इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एक्सपेंस अकाउंट इन मिसेलिनियस एक्सपेंस अकाउंट प्लांट अकाउंट या फिर इन प्रॉपर मेंटेनेंस अकाउंट तो यहाँ पर कोई भी प्लांट को इस्टेब्लिश करने में जो खर्चा किया जा रहा है तो वो इंक्लूड कर दिया जाएगा प्लांट के ही अमाउंट में ठीक है अकाउंट में तो यहाँ पर प्लांट अकाउंट करके शो किया जाएगा तो ऑप्शन थ्री यहाँ पर हमारा राइट right आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है अनपेड एक्सपेंसिस इज अकाउंट अब अनपेड एक्सपेंसिस जो होते हैं वो हमारे किस तरह का अकाउंट होते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पर्सनल अकाउंट रियल अकाउंट या फिर नन ऑफ दीज तो यहाँ पर अगर हम अनपेड एक्सपेंसिस की बात करें या फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की तो यहाँ पर देखिए इसका राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि है हमारा पर्सनल अकाउंट ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट आउट दी फॉलोइंग इनकम अब जो इनकम्स हैं इसमें से हमें शॉर्ट आउट करनी है कौन सी है इंटरेस्ट कमीशन इंटरेस्ट ऑन ड्राॅइंग्स या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देखिए फ्रेंड्स अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे बात करेंगे तो ये एक्सपेंस है कमीशन एक्सपेंस ब्याज और जो इंटरेस्ट है वो भी एक्सपेंस है क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव पे ये कुछ नहीं लिखा तो हम समझेंगे अगर कुछ नहीं लिखा है तो हम ये समझेंगे कि हमारा एक्सपेंस है ठीक है लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है वो हमारे लिए एक इनकम की तरह काम करता है तो ऑप्शन थ्री यहाँ पे हमारा right answer हो जाएगा ये business के point of view से हमें समझना है है ठीक यानी कि वर्ष के अंत में स्वामी की पूजी में अगर वृद्धि होती है तो उसको किस नाम से जानते हैं प्रॉफिट ड्रॉइंग लॉस या कैपिटल बहुत सिंपल है इसको हम प्रॉफिट के नाम से जानते हैं ऑप्शन हम right है नेक्स्ट है स्टेट द फॉलोइंग एक्सपेंसेस अब इसमें से हमें एक्सपेंस बताना है बिल्डिंग बैंक लोन इन्वेस्टमेंट या सैलरी इसमें से क्या हमारा एक्सपेंस है तो देखिए इन्वेस्टमेंट हमारा यहाँ पर एक्सपेंस नहीं है बैंक लोन एक्सपेंस नहीं है बिल्डिंग एक्सपेंस नहीं है ठीक है सैलरी हमारे लिए है क्योंकि सैलरी हमें देनी है ठीक है

जो हमारी मेन बुक होती है उनके साथ प्रिपेयर की जाती हैं। तो क्रेडिट परचेस हमारा किस में इंक्लूड किया जाता है यहाँ पर ये बताना है कैश बुक सेल्स बुक परचेज बुक या फिर परचेस रिटर्न बुक ठीक है तो बताइए इसका क्या आंसर होगा यहाँ पर परचेस क्रेडिट परचेस की बात की जा रही है तो क्रेडिट परचेस हमारा परचेस बुक में आता है लेकिन अगर सिर्फ परचेज हो क्योंकि फ्रेंड्स जो हमारी कैश परचेज होती है उसको कैश परचेज नहीं लिखा जाता उसको सिर्फ परचेज लिखा जाता है तो कैश परचेस होगी तो वो कैश बुक में जाएगी लेकिन अगर सिर्फ क्रेडिट परचेज बुक है तो वो जाएगी हमारी परचेज बुक में ठीक है तो ऑप्शन थ्री यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा तो ये थे आज के क्वेश्चन आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए फ्रेंड्स के शेयर कीजिए किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ ज़रूर बताएगा तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे और भी अच्छी के साथ तब तक के लिए टेक केयर बाय बाय